मोदी आएगा, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी, जो दलित पार्टियाँ हैं छोटी छोटी, वो देश को तोड़ना चाहती है। जब तक हिंदुस्तान में मोदी के बीजेपी सरकार बैठी है ना, हिंदुस्तान को कुछ नहीं होगा। जब ये सरकार चली जाएगा, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा ये बताया कि कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है धार्मिकता को बढ़ावा देकर देश को तोड़ना चाह रही है। वो पप्पू प्रधान है राहुल गांधी, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो तो लड़कियाँ छेड़ता, वो उसको अपना कुछ नहीं पता, वो अपनी दीदी को वो बोलता तो दिल्ली है। शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव आ चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सर ऑफिशियल जाहिर सी बात है मोदी, दूसरा कोई ऑप्शन है? मैं यही कह रहा हूँ कोई दूसरा ऑप्शन है, आप राहुल गांधी को रखेंगे? जो आलू डालता है सोना निकालता है, ऐसे बंदे की स्पीच को आप रखेंगे? इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि जो वहाँ के हिंदू आए हैं वो सब चोर उचक के बदमाश लोग हैं, इस पर क्या कहना है? वो जानते हैं उनको, उनके घर से हो क्या है कि वो चोर उचक्के की बदमाश लोग हैं, पहले अपने अंदर पे तो देखें कि वो क्या है, चप्पल खाते फिरते हैं, कम से कम उनको 3 बार चप्पल पड़ी है, मैंने वीडियो देखी हुई। मैं केजरीवाल को सर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मोदी ओनली ऑन मोदी। अच्छा ये बात देखेंगे, देखो जैसे पूरे भारत में विकास हुआ है और भारत की जो छवि बनी है पूरे वर्ल्ड में, तो मोदी जी आने चाहिए। क्यों, राहुल गांधी जी केजरीवाल ममता बनर्जी से क्या दिक्कत आपको आ रही है? वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, वो कोई विकास की राजनीति नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस समय लुधियाना की चौड़े बाजार मार्केट में आया हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि 2024 के इलेक्शन की शुरुआत का घोषणा हो चुका है, इसमें हमारे देश के लोगों का क्या कहना। आपका नाम? हरी चौहान। चौहान जी ये बताएं कि 2024 के चुनाव का घोषणा हो चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मोदी आएगा जी, मोदी आएगा, जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी, जो दलित पार्टियाँ हैं छोटी छोटी, वो देश को तोड़ना चाहती है। जब तक हिंदुस्तान में मोदी के बीजेपी सरकार बैठी है ना, हिंदुस्तान को कुछ नहीं होगा। जब ये सरकार चली जाएगा, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है धार्मिकता को बढ़ावा देकर देश को तोड़ना चाह रही है। वो पप्पू प्रधान है राहुल गांधी, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो तो लड़कियां छेड़ता, वो उसको अपना कुछ नहीं पता, वो अपनी दीदी को वो बोलता तो दिल्ली है, उसको कुछ नहीं पता, पार्लियामेंट में वो लड़कियां छेड़ता है, वो समाज सेवा है करता नहीं। वो कहता राम मंदिर कैसे बन गया, हिंदुस्तान में हमारा राम मंदिर बना, हमारा धर्म का बना, इसे माँ बाप के लाल का नहीं बना, हमारा जो मंदिर था पहले से हजारों साल पहले वही मंदिर बना, जो मुसलमानों ने बावरे ने तोड़े ना बाबर मस्जिद से, वो मस्जिद तोड़ के हमने राम मंदिर बनाया, अपने दम पे बनाया, वो हमारा इतिहास था वो राम मंदिर का। अच्छा ये बताएं कि जो महंगाई है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, अभी मैं कल ही बात किया है कांग्रेस के नेता से, उन्होंने कहा महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस पर आपका क्या कहना? देखो जी मैं कह रहा हूँ, जो सरकारें जितनी आई महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कांग्रेस आए जो आप आवे या बीजेपी है, मैं कह रहा हूँ 1500 का सिलेंडर बन गया ना, वो भी लेंगे हम मोदी के राज में, वो भी लेंगे। क्यों ऐसा क्या, इतना ऐसी क्या बात? ये बात है सर, ये जितने पास है चोट के क्लेश यादव हो गया, ए ओबीसी हो गया, वो सारा मुसलमान गालियाँ निकालता है हिंदुओं को सिखों को, वो कहता गुजरात हैदराबाद में ओबीसी खड़ा है, अच्छा। एक राजा सिंह खड़ा है, एक बार वो खड़ी है माधुरी दीक्षा, डॉक्टर माधुरी दीक्षा खड़ी है रहा ओबीसी के सामने खड़ी है, धमकी दे रही है उसको कि तेरे को सीट से काट के दिखाएंगे हम ये। अच्छा कौन? ओबीसी की सीट जो हैदराबाद में बड़ा चमचा बना मुसलमानों का। अच्छा अच्छा वो ज़्यादा भड़का रहे हैं मुसलमानों को ओबीसी। अच्छा ये बताइए जो सीए लागू हुआ है तो ओबीसी जी कह रहे हैं नहीं जी ये तो मुसलमानों को यहाँ से निकाला जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। कोई नहीं निकाल रहा, अब भी मुसलमान हिंदुओं के साथ आ गए मोदी के साथ, जो 3 तलाक की बात थी ना मुसलमानों की औरतें बहुत खुश होगी, ये हमारे 3-3 तलाक कर देते थे, हमारे 3-3 तलाक करते उसको बैन लगा दिया योगी सरकार ने मोदी सरकार ने। कल को योगी या मोदी की सरकार पंजाब में आएगी ना, ये आम आदमी क्या है, ये दुनिया को पटा लिया आम आदमी ने कि मैं बिजली दे रहा हूँ, मैं वो कोई सहूलता नहीं दे रहा, वो नागरिक को पता नहीं कि बिजली में खुश होगी पंजाब की जनता। आधार कार्ड बनाएगा बादल के वाजपेयी के राज में बनाइए आधार कार्ड, ये जो कनक मिल रही है 2 रुपये किलो बादल के राज में वाजपेयी के राज में मिली है, साले को गांड धोने की तो कहा था नहीं साले को। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से जो
हिंदू आए हैं वो आतंकवादी हैं, लेकिन उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं लाखों की संख्या में उनके ऊपर तो कुछ बोल नहीं रही, इस पर आपका क्या कहना? भाई दिल्ली में कितना बंगाली है, नेपाल का नेपाली कितना दिल्ली के अंदर, आप बता सकते हैं? वो उनकी स्टेट नहीं देख रही ना, वो सीधा था दिल्ली के अंदर एंटर करता है। क्यों मैम? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है सीधा दिल्ली के अंदर आएगा, दिल्ली की सरकार उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। वो तो आगे हम तो आधार कार्ड बना देंगे, इनकी वोट हम ले लेंगे, वो कर देंगे, ऐसे धमकी देता रहता है। नहीं ये बताइए कि आखिर रोहिंग्या जो मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको ये कुछ नहीं कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है केजरीवाल जी? केजरीवाल तो बन गया भाई चूती आदमी, सीधी बात बनी, उसको बस आधार कार्ड मांगे बनाए जा रहे हैं, जब हम स्कूल बना लिए, जब बिजली माफ़ कर दी, पानी कर दिए, कोई सहूलता दे रहा वो किसी को? सहूलता दे रहा कोई गरीब को? दे रहा सहूलता वो? नहीं दे रहा। जो सारे सेंटर से जो लागू हो सहूलता ये मिनिस्टर खा रहे हैं, सारे पंजाब के खा रहे हैं, दिल्ली के खा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सब खा रही है। अच्छा ये बताएं कि केजरीवाल जी हिंदुओं को ही आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं? ये भाई साहब मैं वो आप ही बताएंगे, जो वो हारेंगे दिल्ली की 10 की 10 सीटें, उसका ठिकाने आए प्यारों से नीचे से घुटना निकल जाएगा उनका। 10 सीटें हारेंगे दिल्ली के अंदर, यहाँ पर पंजाब में 5 आपकी आएगी, पंजाब कांग्रेस 2 बीजेपी की मिलेगी। हमको पता थोड़ा बीजेपी का शट डाउन ढीला यहाँ पर किसानों के आंदोलन के कारण, उसके ना सर्विस कम है थोड़ा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो है ना जो चल रही है चोरी डकैती चिट्टा तो सरेआम बिक रहा है, सरेआम बिक रहा है, मेडिसिन बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ सरकार को सब कुछ पता है, अफसरों को थाने थूनों को सब पता, कहाँ कहाँ नशा बिक रहा, कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है? पैसे चढ़ते हैं भाई साहब, पैसे चढ़ते हैं उनको, पैसा चढ़ गया, महीने का 1,00,000 रुपये चढ़ा दिया, 50,000 चढ़ा दिया, और गया चढ़ गया पैसा, हो गया 1,00,000 रुपया कमा रहा है महीने का, वो बिखेड़ी जो भाई बेच रहा चिट्टा 1,00,000 रुपया उसने 50,000 रुपये दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, छूट भी जाएगा वो तो, डिमांड भी कराए 25-30,000 रुपये दे के अपनी, मर गया तो गरीब आदमी का बच्चा मर गया, किसी माँ का लाल मर गया, उनको क्या जाना है, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो तो अपनी सरकार देख रही है, मेरी सरकार काम कर रही है। सर मेरा नाम सूरज। सूरज साहब क्या करते हैं, पढ़ते हैं कोई जॉब वगैरह करते हैं? सर मैं दोनों करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ साथ साथ में मैं वर्क भी करता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि 2024 का चुनाव आ चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सर ऑफिशियल जाहिर सी बात है मोदी, दूसरा कोई ऑप्शन है? मैं यही कह रहा हूँ कोई दूसरा ऑप्शन है आप राहुल गांधी को रखेंगे? जो आलू डालता है सोना निकालता है ऐसे बंदे की स्पीच को आप रखेंगे कि केजरीवाल को रखेंगे, जिन्होंने शायद पहली बार भी उन्होंने दिल्ली से इलेक्शन जीतने के बाद हट गए थे, फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, फिर दिल्ली के बने? सर ओनली ऑन मोदी। नहीं ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जब से आए तब से फ्लॉप प्रधानमंत्री हैं भारत के, अभी तो कल ही मेरी बात हुई कांग्रेस के नेता थे वो कह रहे हैं कि फ्लॉप, हमारे पास वीडियो भी है, कह रहे हैं फ्लॉप प्रधानमंत्री। तो G20 किसने लागू किया सर? मोदी लेके आया ना, ये राम मंदिर मोदी लेके आया ना, और 370 अभी आप कह रहे थे कि 370 वो क्या हुआ, वो जो G20 हुआ था कश्मीर में ही था जी, जी शायद कश्मीर में हुआ था जी 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 जी, जो मैंने न्यूज़ में देखा था, मैं अभी दिल्ली में एक बार कश्मीर में भी हुआ था, कश्मीर में भी हुआ था ना, वो जिनके हाथ में पहले पत्थर हुआ करते थे जी, आज उनके हाथ में पढ़ाई है जी, भारत का झंडा लड़ाता है जी जी जी, हर जगह पे है ना जी जी, है ना कुछ तो है, मोदी है तो है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा ये बताइए कि CAA जो लागू हुआ उस पर आपका क्या कहना? CAA सर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जो काफ़ी सताए हुए लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान से काफ़ी सताए हुए मुस्लिम हिंदू समाज के भी थे, मुस्लिम समाज के जो इंडिया में रहना चाहते हैं, CAA बस एक गुड डिसीजन है सर। अच्छा ये बताइए केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं, एक मिनट साहब, केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि जो वहाँ के हिंदू आए हैं वो सब चोर उचक के बदमाश लोग हैं, इस पर क्या कहना आपको? वो जानते हैं उनको, उनके घर से वो क्या है कि वो चोर उचक के बदमाश लोग हैं, पहले अपने अंदर भी तो देखें कि वो क्या है, चप्पल खाते फिरते हैं, कम से कम उनको 3 बार चप्पल पड़ी है, मैंने वीडियो देखी हुई। मैं केजरीवाल को सर उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मोदी ओनली ऑन मोदी। अच्छा ये बताएं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, उनको तो कुछ बोलते नहीं है, इस पर क्या कहना आपका? कैसे सर दोबारा रिपीट करेंगे? जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आके यहाँ पे बस गए हैं इंडिया में, उनको तो कुछ बोलने ही नहीं केजरीवाल जी, लेकिन हिंदुओं को इस तरह से बोलते हैं, इस पर क्या कहना आपका? वही तो बात है ना सर, इनको हिंदुओं से क्या दिक्कत, इन्होंने कभी पहले राम मंदिर का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, कांग्रेस इतने सालों तक रही, उन्होंने उल्टा हमारे
हमारे हिंदू भाइयों को ही मरवाया कटवाया सब कुछ उन्होंने ही किया। योगी आई मोदी आए तब से हुआ है जो हुआ है। उससे पहले तो नहीं, तो कह रहे हैं कि मोदी आए तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। तो जब कांग्रेस की सरकार की थी उस समय कौन से बहुत वैकेंसी मिली, उसमें भी तो सर उतना कुछ खास था नहीं। अब जिस हिसाब से सर जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी। हाँ ठीक है कि अभी बेरोजगारी के मामले में मैं आपका बात मान सकता हूँ, पर ये है जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे सुधार होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अगला जो अगर मोदी जी 5 साल के कार्यकाल में फिर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि विकास कुछ ज़्यादा ही होगा? सर होगा, विकास जरूर होगा। जिस लेवल पे मोदी हैं आज भारत को कौन नहीं जानता। पहले भारत ठीक है, मनमोहन सिंह मैं बुरा नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर लेवल तक ले गए, उनके बारे में बुराई नहीं करूँगा। अच्छे प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जगह मोदी का कंपेरिजन राहुल गांधी से करूँगा, राहुल गांधी से बिल्कुल नहीं करूँगा। मोदी बेस्ट, जैसे कि कहाँ तक अब इंडिया का सवाल है कि इंडिया को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। हर देश का दौरा उन्होंने किया, हर देश के मतलब प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से सबसे मिले, उन्होंने हमारे देश को एक अलग स्तर पर पहुँचाया है जिसको एक विकास का हम आधार कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में हमारे देश का विकास जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका गुड नेम? हीरालाल चौहान। चौहान जी ये बताएं कि 2024 के चुनाव का शुरुआत हो चुका है, इलेक्शन का घोषणा हो गया, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? देखो जैसे पूरे भारत में विकास हुआ है और भारत की जो छवि बनी है पूरे वर्ल्ड में, तो मोदी जी आने चाहिए। क्यों, राहुल गांधी जी केजरीवाल ममता बनर्जी से क्या दिक्कत आपको आ रही है? वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, वो कोई विकास की राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी ने घर घर जल पहुँचाया है, सिलेंडर दिए हैं, और बैंकों में इतनी सहूलतें आई हुई हैं। पहले जब कांग्रेस का राज था 5,000 रुपया लेने जाते थे तो बैंक वाले ने प्रॉपर्टी के कागज मांगते थे। अब जो मुद्रा लोन है 50,000 से 10 लाख तक वो पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लोन देते हैं। फड़ी वालों को भी अभी 10-20 हज़ार रुपया दिया है, ये मोदी सरकार ने दिया है। अच्छा ये बताइए कि अभी कल ही मैं बात कर रहा था कि एक कांग्रेस के नेता थे, वो कह रहे थे कि मोदी जब से आए हैं तब से देश का भट्ठा बैठा रखे हैं, इस पर क्या कहना आपका? वो ऐसे हैं जो ये लोग जो कह रहे हैं ना वो पढ़े लिखे कम है। अरे कांग्रेस के नेता पढ़े लिखे भी थे, होंगे जो पढ़े लिखे वो ऐसी बात नहीं करेंगे जैसे राहुल जी हैं। राहुल जी बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। आज का जो जो युवा है, आज की जो छवि है, वो पूरे भारत के पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पहले नंबर पे आ रहा है मोदी जी। हम तो यही कहेंगे आम नागरिक को और जितने भी नागरिक हैं उनको भी यही कहेंगे भी जो विकास हुआ है, जो मोदी जी ने जो किया है 70 साल में किसी ने नहीं किया है। 500 साल पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, सरकारें बहुत आई और चली गई, किसी ने मंदिर नहीं बनाया राम का। 370 धारा ये मोदी योगी जी ने जिन्होंने तोड़ दी, आज तक किसी ने धारा नहीं तोड़ी। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धारा 370 टूटने से क्या फ़ायदा हुआ, कश्मीर वहीं का वहीं है? कश्मीर आगे है जी, क्यों वहीं का वहीं है? पहले हम जाते थे, वहाँ का युवा था वो पत्थर मारते थे, आजकल उनके हाथ में पढ़ाई है, बिजनेस है। अच्छा साहब ये बताएं, जो CAA लागू हुआ है नागरिकता के लिए, जो बाहर से लोग आए खास करके पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से सताए हुए लोग हैं, केजरीवाल ने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं, लेकिन वो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों से कुछ बोलते नहीं, इस पर आपका क्या कहना? नहीं जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुआ है तो वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं, कोई शाही जो शाही विभाग है उसका सारा वोट केजरीवाल को जाता, वो तो बोलेगा नहीं तो हिंदुओं को तो आतंकवादी बताएं कि ये लोग गलत लोग हैं, चोर चकेड़ी करते हैं लोग। पहली बात तो उसको केजरीवाल को अपने आप को झांकना चाहिए अंदर से भी, मैं क्या चीज़ हूँ। वो जब भी लेते हैं मुसलमानों की पक्ष लेती है, आज तक हिंदुओं की उन्होंने पक्ष ली किसी ने? एक मोदी जी हैं जो हिंदुओं की उन्होंने पक्ष ली है। नहीं ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी धार्मिकता को बढ़ावा दे करके और वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग तो यही कह रहे हैं राहुल गांधी केजरीवाल जी ममता बनर्जी जी। उनको आप भी जाए पब्लिक के बीच में, उन्होंने क्यों नहीं किया? आप भी जाए पब्लिक के बीच में, उनको पता लगे भी हमें कितना रिस्पॉन्स मिलेगा। पब्लिक मोदी जी को चाहती है या केजरीवाल को चाहते हैं, ममता जी को चाहती है। आज बंगाल में कितना देखो कितना बुरा हाल है, बहुत सारे बांग्लादेशी है, CA कानून लागू कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें जो गलत आदमी है वो बाहर चले जाएगा, जो सही आदमी है वो अपने भारत में रहेगा। आपका गुड नेम?
परमजीत सिंह जी। सिंह साहब ये बताएं कि 2024 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, घोषणा हो चुका है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। क्यों, बाकियों में क्या दिक्कत है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हें आगे भी देखना चाहते हैं कि वो हमारे देश के लिए और कुछ आगे करें। किसको बुलाएं? 2024 के चुनाव का घोषणा हो चुका है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जी अभी ऑप्शन ही नहीं है सिवाय मोदी के। क्यों, ऐसा क्या है? आ ही नहीं पाए, इसके अलावा कोई है ही नहीं उसके लायक। क्यों, ऐसा क्या है? राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है ये। मोदी बाकी करेंगे। विपक्षी लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कर भी बहुत कुछ रहे हैं लोगों के लिए, कर भी बहुत कुछ रहे हैं, बेकारी नहीं बढ़ रही है, हम लोग काम की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है, भगवंत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया ही उन्होंने। क्यों, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हो? अरे बिजली तो फ्री दे रहे हैं, ठीक है, बिजली से काम नहीं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं वो, जो आम पब्लिक है उसको खाना चाहिए, बिजली के अलावा भी कुछ चाहिए, राशन तो राशन वगैरह फ्री तो आ रहा ना? अरे राशन पानी तो अगर आ रहा है तो क्या दे रहे हैं? एक लोग का तो पहले ही खा जाते हैं, अगर चार लोग हैं, चार में से तीन का देते हैं, तो सरकार ही खा रही है। नहीं राशन तो खैर केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। नहीं आता है लेकिन पब्लिक तक पूरा नहीं ना पहुँचता, दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन से डिपो में दिक्कत आ रही है बताएंगे? सभी में है, सभी जगह लोग खाते हैं। अच्छा देते नहीं है? देते हैं, कम देते हैं। अच्छा जैसे पांच लोगों का तो चार लोगों का देंगे। अच्छा चार लोगों का देंगे तो तीन लोगों का देंगे। तीन लोगों का क्यों देते हैं, आप पूछे नहीं कभी उनसे? अरे वो बोलते हैं पीछे से कम आती है, ऊपर के लोग खाते हैं। ऊपर बोलते हैं ऊपर के लोग खा जाते हैं? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा अच्छा ये बताएं कि मोदी जी ने कहा कि 400 प्लस सीट आपकी हमारी आएगी, इस पर आपका क्या कहना? 400 प्लस सीट उनकी आ रही है? हो भी सकती है, हो सकती है। क्यों, ऐसा जैसे वो काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, महंगाई तो हर बार आती है इलेक्शन होने के बाद, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए या कोई भी सरकार आए, जो उसका भुगतान है ना वो आम पब्लिक को देना पड़ता है, जो उसका खर्चा टैक्स के रूप में पब्लिक को ही वसूल करना पड़ता है। आम पब्लिक क्या करेगी बताइए आप? जो दिहाड़ी वाला आदमी है वो क्या करेगा? तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, पब्लिक से मैंने बातचीत की, 2024 के चुनाव का घोषणा हो चुका है, पूरे देश में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है, बड़े ज़ोर शोर से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, चालू हो गया है, और जो भी जिस पार्टी का अपना एजेंडा है उस एजेंडे को आगे रख के चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। दोस्तों ये तो राजनीति हमारे देश का प्रजातंत्र की खूबसूरती है, जो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, हर पार्टी का अपना अपना आधार है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, अब आज का ये मैं प्रोग्राम ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा ये न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।